वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, सेंस ऑर्गन्स बेटा हमारे कितने हैं? 5, जिसमें आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ठीक है बेटा, ये आते हैं सेंस ऑर्गन्स, जिनसे हम कुछ सेंस करते हैं। अभी हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सेंस आर द ब्रेन लिंक टू द वर्ल्ड। सेंस क्या है? जितने भी सेंसेस हैं बेटा, वो सारे ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आवर आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। हमारी आँखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारी जीभ और हमारी स्किन, जो चमड़ी है, दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। उसे हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स। दे हेल्प अस टू फील एवरीथिंग अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास होता है, हमें वो सब महसूस करने में ये हेल्प करते हैं। आइज, आइज बेटा पहले हम पढ़ने लगे हैं कि आइज क्या होती हैं। वी हैव टू आइज। हमारे पास कितनी आइज होती हैं? आँखें कितनी हैं? 2। और आई हेल्प अस टू सी थिंग्स, हमें ये देखने में मदद करती हैं। वी सी एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट बाय आवर आईज। हम अपनी आँखों से ही अपने एनवायरनमेंट में सब कुछ देखते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट हमने जो है आईज के बारे में पढ़ा है। आईज किस कितनी होती हैं? 2 होती हैं और देखने के काम आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं ईयर्स, कान। वी हैव 2 ईयर्स। कान भी हमारे पास कितने हैं? 2। दे हेल्प अस टू हेयर म्यूजिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स। ये हमें क्या हेल्प करते हैं? गाने सुनने में, किसी भी तरह की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं हमें। नेक्स्ट बेटा आ गया नोज। नोज मीन्स नाक। नाक से बेटा क्या करते हैं? वी हैव 1 नोज। हमारे पास एक नाक है, 1 नोज। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। ये हमें जो है कुछ भी चीज़ सूंघने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टंग। टंग मीन जीभ। जीभ बेटा क्या होती है? वी हैव 1 टंग। हमारे पास एक जीभ है, जो हमारी जीभ है वो एक है। इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट टेस्ट ऑफ थिंग्स। ये हमें अलग अलग चीज़ों के स्वाद के बारे में पता लगाने में मदद करती हैं। इट टेल्स अस टू 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। कितने टेस्ट बेटा पता चलते हैं हमें जीभ से, अपनी टंग से? 4। कौन कौन से? स्वीट, मीठा, बिटर, कड़वा, सौर, खट्टा, साल्टी, नमकीन। कौन से 4 टेस्ट बेटा पता लगते हैं? स्वीट, बिटर, सौर एंड साल्टी। अभी तक बेटा हमने 4 ऑर्गन्स के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ने लगे हैं स्किन के बारे में। स्किन क्या होता है? जो हमारी चमड़ी है। वी हैव स्किन ऑल ओवर आवर बॉडी। हमारी बॉडी सारी क्या है बेटा? चमड़ी से ढकी हुई है ना, स्किन से। स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स। ये हमें किसी भी चीज़ को छूने में मत छू कर उसका एहसास करने में मदद करती है। जैसे बेटा हम गर्म कोई चीज़ लगती है तो हमारी स्किन को लगती है, ठंडी लगती है स्किन को लगती है। ठीक है बेटा, दीज 5 सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये 5 सेंस ऑर्गन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दे आर लाइक अवर बेस्ट फ्रेंड्स। ये हमारे सच्चे दोस्त हैं। दीज सेंस हेल्प अस टू लर्न अबाउट थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो भी है, उस सब की जानकारी इकट्ठा करने में ये सेंस ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। और सेंस सेस आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट बॉडी। ये बॉडी को बचाने में भी मदद करते हैं। बेटा ये चैप्टर हमने सारा पढ़ लिया है, होप आपको समझ आ जाएगा इसको वीडियो को सुनने के बाद। अभी हम इसकी बेटा फर्स्ट जो है बैक साइड स्टिक तक करेक्ट वाला पार्ट करने लगे हैं। स्किन विच सेंस टेल्स अस मिल्क इज वाइट। बेटा जो दूध है वो सफ़ेद है, कहाँ से पता लगता है? आईज से बेटा, देख कर पता लगता है ना किसी चीज़ का कलर।
विच सेंस ऑर्गन वी यूज टू रीड बुक्स, बुक्स रीड करने के लिए हम कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, बोलते कैसे हैं, टंग से। विच सेंस ऑर्गन टेल अस दैट कॉटन इज सॉफ्ट, कहाँ से पता लगता है कि कॉटन सॉफ्ट है, बेटा वो स्किन से, स्किन से टच करके सॉफ्ट हार्ड का पता लगता है ना हमें। विच सेंस ऑर्गन टेल अस दैट द रोज हैज ए नाइस स्मेल, स्मेल का बेटा कहाँ से पता लगता है, नोज से। एंड नेक्स्ट इज देयर आर डैश सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं बेटा, पाँच। बेटा ये जो मैंने काम दिया ये भी आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, और ये बेटा बैक साइज बुक पर कर लेनी है, इसकी पिक आपने ग्रुप में डालनी है, प्लस चैप्टर की रीडिंग करके उसकी वॉइस जो है आवाज़ अपनी जो है ग्रुप में डालनी है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर और बैक साइज की पिक्स भी साथ में डाल देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।